तो फ्रेंड्स बिहार नई भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2020 दोस्तों जिसका अप्लाई दोस्तों शुरू है दोस्तों। यहां पे पद की बात करें तो 6379 पद है। इसका लास्ट डेट की बात करें तो 17 तक इसका लास्ट डेट, जो कि एक बिहार की बड़ी भर्ती दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या इसका फी लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स बिहार बीटीसी जेई रिक्वायरमेंट 2020 बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो फॉर्म की, तो यहाँ पे 6 फरवरी 2020 और लास्ट डेट 17 फरवरी 2020 है। और यहाँ पे अप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन डोमिकल ऑफ बिहार की बात करें तो 200 फीस है इसका। और ऑल कैंडिडेट ऑफ बिहार डोमिकल SC ST EBC की बात करें तो 50 रुपया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल अप्लीकेशन फी 50 रुपया है। तो यहाँ पे आप पेमेंट जो हो गया आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से कर सकते हैं, जो कि आपका जो हो गया एग्ज़ाम लोकेशन बिहार में ही, एनी लोकेशन इन बिहार, कहीं में कहीं पर आप बिहार के कहीं पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो एज की बात करें तो यहाँ पे एज कैलकुलेट आपको 1 अगस्त 2018 से की जाएगी, जो कि आपको मेल मिनिमम आपको हो गया 18 ईयर एंड मैक्सिमम 37 ईयर होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। और एज की बात करें तो आपको कैटेगरी के अनुसार से आपको रूल जो होता है, रूल रेगुलेशन, उसके अनुसार से आपको 2 साल 3 साल या 5 साल का ऐसे ही करके रहता है, तो आप उसमें छूट दिया जाएगा। और पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट 6379 पद है। तो फ्रेंड्स इसमें दो प्रकार की जॉब है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पे कैटेगरी बाय आपको यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको इसमें जो गया JR इंजीनियर सिविल के लिए है, 5815 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी बाय यहाँ पे दर्शा दिया गया है। और यहाँ पे नीचे में JR इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 432 पोस्ट, जो कि यहाँ पे कैटेगरी बाय यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे तीन प्रकार का, यहाँ पे JR इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे 132 पद है, जो कि कैटेगरी बाय यहाँ पे दर्शा दिया गया है। और यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो 31,705 से लेकर यहाँ पे 45,950 और प्लस अदर अलाउंसमेंट भी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट ऑफ अप्लीकेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा। और आपको बता दें विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब तक को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।